तो जी पीछे हमने वो रेसिपी बनाई ना, वो क्या है, वो रेड़ी वाला फ्राइड राइस, स्ट्रीट स्टाइल फ्राइड राइस, क्योंकि वो जो स्ट्रीट स्टाइल चाइनीज़ खाना है उसका मज़ा अलग है। लेकिन फिर हमने आपको एक प्रॉमिस भी किया, और वो प्रॉमिस ये था कि हम आपको बना के दिखाएंगे वो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज़ खाने वाला फ्राइड राइस। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार, और हम बनाने जा रहे हैं दो किस्म का रेस्टोरेंट स्टाइल राइस। ठीक है जी, क्या है वो, आम के आम और गुठलियों के दाम, पॉट राइस एंड फ्राइड राइस आफ्टर द म्यूजिक। कॉलिंग एंड एक्शन। कोई भी रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज खाना अगर बनाना है तो चावल के साथ में स्टार अनीस का कॉम्बिनेशन जो है बड़ा फेमस है। ठीक है जी, तो इसलिए अपना चक्री फूल या स्टार अनीस निकाल लीजिए, और भगवान भला करे पानी के अंदर उसको डाल दीजिए। क्या खुशबू है, मतलब आज के दिन की हम ये पहली रेसिपी शूट कर रहे हैं, और बड़े टाइम बाद शूटिंग हो रही है आज। खुशबू ने माहौल बना दिया है जी। चावल, अगर अच्छा फ्राइड राइस बनाना है तो बासमती का सेला यूज़ करें, क्योंकि फ्राइड राइस में चावल का स्ट्रक्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर में मजबूती होनी चाहिए, वरना आप बनाने जाएंगे फ्राइड राइस, बन जाएगा चावल का भड़था, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था सेला यूज़ करना है। सेला यानी कि स्टीम्ड राइस, जो कि आधा पका हुआ होता है। चावल को उसके हस्क के अंदर, धान के अंदर ही स्टीम कर देते हैं, ताकि चावल अपना स्ट्रक्चर पकड़ ले और उसके फ्लेवर्स लॉक हो जाए। फ्राइड राइस के लिए, बिरयानी के लिए, जहाँ पर भी चावल को स्ट्रक्चर पकड़ने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सेला इस्तेमाल करें। ठीक, कभी भी चावल पकाएं तो उसको पहले 2-3 मिनट अच्छे से रोरिंग बॉयल में खोलने दें। उससे क्या होता है कि चावल में इलोंगेशन आता है, एक राइज आता है, एक जंप आता है, उसका साइज लंबा होता है, और उसके बाद फिर आपको ये टेंशन होगी कि चावल जो है कहीं टूट ना जाए। इसलिए 3 मिनट बाद गैस को स्लो कर दें, तो फिर चावल में इलोंगेशन भी आ जाएगा और वो बराबर से पक भी जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शनल है, मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रहा हूँ, आप सेसमी ऑयल भी डाल सकते हैं थोड़ा, ये भी ऑप्शनल है, बट अगर सफाई होती रहे पानी की तो फ्लेवर्स क्लीन रहते हैं। चलो जी, गैस कर दी धीमे। तो सबसे पहले हमने बना लिया पॉट राइस का राइस। ठीक है, इसको थोड़ा ज्यादा पकाना है और इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है। आप समझ लीजिए कि वार्म रहेगा तो अच्छा है, फ्रिज में नहीं डालना है इसको। चावल को ज्यादा चलाना नहीं है, चावल टूट जाएगा। तो एक तो हमने चावल जो है वो रेडी कर लिया है पॉट राइस का, और ये चावल जो है ये रेडी हो गया फ्राइड राइस का। पॉट राइस के चावल को थोड़ा ज़्यादा पकाना है, फ्राइड राइस के चावल को थोड़ा सा और कम पकाना है। ये देखिए, ये चावल थोड़ा ज़्यादा खड़ा है, अब इसको तुरंत तुरंत डाल लेना फ्रिज में। फ्रिज में क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर पकड़ना बहुत ज़रूरी, जितनी जल्दी ठंडा होगा उतनी जल्दी स्ट्रक्चर पकड़ेगा, और जितना स्ट्रक्चर पकड़ेगा उतना वो टेक्स्चर देगा जो हमको चाहिए ना, माउथ फील। एक्चुअली मैं मूड में तो इसी में आया था कि भाई फ्राइड राइस दिखाना है रेस्टोरेंट जैसा, फ्राइड राइस दिखा देंगे, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर इतना कुछ कर रहे हो रणवीर तो पॉट राइस भी दिखा दो ना, अगर रेस्टोरेंट स्टाइल बोल रहे हो तो फिर प्रॉपर करो रेस्टोरेंट स्टाइल काम। फ्राइड राइस में गाजर बीन्स जो है वो तो कंपलसरी है, कैबेज ऑप्शनल है, लेकिन हम डालेंगे क्यों, क्योंकि कैबेज से वॉल्यूम बढ़ता है। वेजिटेबल्स हैव टू बी राइस साइज, अगर फ्राइड राइस के कॉम्पोजिशन की बात करें तो सब्जियां होनी चाहिए जिसमें कि बीन्स और कैरेट मस्ट है, उसके बाद अगर वॉल्यूम बढ़ाना है तो कैबेज डाल दीजिए या फिर कॉर्न डाल दीजिए। फ्लेवर के लिए अदरक लहसुन आप डाल सकते हैं अगर आप खाते हैं तो। प्याज बिल्कुल नहीं पड़ता है फ्राइड राइस के अंदर, हरा प्याज बाद में गार्निश वार्निश में डाल दीजिए या फिनिशिंग में डाल दीजिए। अगर आप अदरक लहसुन खाते हैं तो अदरक कम लहसुन ज़्यादा, और लहसुन को थोड़ा ब्राउन करना है, उसका मज़ा वही। सब बता दिया मैंने, कुछ नहीं छोड़ा, वरना आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। अब बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड राइस। तो फ्राइड राइस में मेन क्या है, रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड राइस में आप जब भी सोया सॉस यूज करें, लाइट सोया सॉस यूज करें। जो रेडी वाला फ्राइड राइस होता है ना, उसमें ढेर सारा हम डालते हैं चिली सॉस, हल्का सा केचप भी डाल देते हैं, डार्क सोया सॉस यूज करते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट स्टाइल जो फ्राइड राइस है उसमें हम लाइट सोया सॉस यूज करते हैं। ये देखिए, तेल गरम करके जिंजर गार्लिक, तो जिंजर गार्लिक को थोड़ा सा टोस्ट होने देते हैं, कैरेट, अगर कॉर्न है तो कॉर्न,
कैबेज, अदरक चॉप और बारीक चॉप हरी मिर्च। कैबेज डालने का एक फायदा और होता है, कैबेज जो हाई वाटर वेजिटेबल है ना, तो कैबेज जो है वो पानी छोड़ता है, तो फिर कई बार चावल में अगर हल्की सी कसर होती है तो कैबेज के पानी से बराबर पक जाता है। अभी ये लाइट सोया सॉस, हल्का सा विनेगर, व्हाइट पेपर पाउडर, चाइनीज खाना बनाया तो वही समझ लीजिए कि सबसे बड़ी गैस पे और सबसे पतली कढ़ाई पे बनाए, जो मेन चाइनीज खाने की मोनोपोली है, जो टेक्सचर है वो तभी आता है। हरा वाला मामला बाद में क्यों डाला, क्योंकि रंग खराब होता है ना गर्मी से। कहां गए हमारे चावल, ये रहे। और आपको लग रहा था कि रणवीर ने तेल इतना ज्यादा डाला है, वो सब अभी बैलेंस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, देखिए एक एक चावल का कण खिला खिला है, और फ्राइड राइस में कम से कम इतनी सब्जी तो होनी चाहिए, वरना फिर इसको फ्राइड राइस नहीं कहेंगे। हल्का सा नमक, थोड़ी सी शक्कर, हल्का सा सिरका, और मेन चीज क्या है, इसको भूनना बहुत जरूरी है। देखिए चावल को मैं लगा हुआ भूनने में गरम तवे पे, उससे क्या है सोया सॉस जो है वो जलता है, शुगर कैरामलाइज होती है, तमाम चीजें साथ में भूनती हैं, वो भुना ही बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि राइस फिर भी कम पका हुआ है तो चाहे पानी का छींटा मार लीजिए, लेकिन उसको भूनिए, उसको चलाइए अच्छे से। ये लो जी, बाकी ये घर का चीट है, एक ढक्कन पानी डालिए छोटा, बिल्कुल गैस कर दीजिए बंद। जब आप खाना डालना होगा उससे 2 मिनट पहले ये कर लीजिए, चावल में एकदम से एक लचीलापन आ जाएगा, सॉफ्टनेस आ जाएगी, बस यही इसकी मोनोपोली है। ये देखिए चावल में हल्की सी नरमी आ गई। कई बार क्या होता है ना कि भून भून के कड़क हो जाता है फ्राइड राइस, तो ऐसा करने से, हल्का सा पानी का छींटा देने से उसमें एक नरमी आ जाती है। देखिए आपने स्ट्रीट स्टाइल फ्राइड राइस वाला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बोला था कि आपको चावल के साथ में कुछ नहीं चाहिए, कोई ग्रेवी नहीं, कोई सॉस नहीं, और ये है एकदम वो रेस्टोरेंट स्टाइल वाला फ्राइड राइस जिसके साथ में आप चिली चिकन मंगवाते हैं, चिली पनीर मंगवाते हैं। दोनों किस्म के फ्राइड राइस आपने देख लिए, जब आपका मन करे कि भाई ग्रेवी के साथ कुछ बनाना है तो ये वाला फ्राइड राइस, जब आपका मन करे कि ग्रेवी वगैरह बनाने का टाइम नहीं हो रहा तो वो वाला फ्राइड राइस, सिंपल। और अगर आपका मन करे कि कुछ एकदम फैंसी श्मैंसी खाना है तो चाइनीज बिरयानी या पॉट राइस की रेसिपी आने वाली है। ये कटिंग जो है ये शुरू हो गई, अब ये कटिंग जो है पॉट राइस की कटिंग है। यहाँ पर जैसे समझ लीजिए कि नूडल्स का मंचूरियन होता है ना, कि नीचे नूडल होगी ऊपर ग्रेवी होगी, बस वो मंचूरियन का चावल का मौसेरा भाई है पॉट राइस, जहाँ पर नीचे चावल होगा और उसके ऊपर बढ़िया सी ग्रेवी होगी। अब इसमें जो सब्जी आपको डालनी है आप डाल दीजिए। बहुत टेस्टी हो जाएगा एक घूम फिर के। टोफू, पनीर, अब यहाँ पर मेरा पनीर है तो मैं थोड़ा पनीर भी डाल देता हूँ डाइस करके। बच्चों के लिए तो खास तौर मम्मियों की पार्टी हो जाती है इस डिश से, जो मन में आए डालो, इंडियन चाइनीज़ के नाम से बच्चे वैसे ही खा लेंगे। पॉट राइस के लिए ये हमारा पॉट है और ये हमारा राइस है। अच्छा, कुछ लोग हल्का सा फिश सॉस या सोया सॉस, या जब पॉट राइस के लिए राइस पकाते हैं उसमें हल्का सा जिंजर भी डाल देते हैं, आप चाहें तो जिंजर भी डाल सकते हैं, स्टार अनीस जरूर डालिएगा, असली टेस्ट जो है वो इसी का है। जिंजर, गार्लिक, प्याज, सूखी लाल मिर्च, स्टार अनीस, अगेन इसके अंदर आपको जो डालना है डालिए। आप चाहें तो राइस को सीधा गरम गरम लेके और नीचे डाल सकते हैं, यहां पर मैंने राइस का टेम्परेचर थोड़ा गिराया है ताकि स्ट्रक्चर आए, एकदम से हलवा ना बने। एटलीस्ट जब हम काम सीख रहे थे तो हमें ऐसे बताया जाता था, बेटा पॉट राइस मतलब चाइनीज बिरयानी, याद है ना, तो फिर फटाफट हम ऑर्डर के लिए भागते थे। सब्जियों को भूनना बहुत जरूरी है, हल्का सा पानी का छींटा, ताकि जो गोभी है उसको एक बार भाप मिल जाए, है ना, वो पकनी शुरू हो जाए। और पानी का छींटा इसलिए भी क्योंकि जिंजर, गार्लिक और मसालों का जो फ्लेवर है वो पानी के अंदर आके एक बार बाकी सब्जियों में फैलना शुरू हो जाए। सोया सॉस, चाइनीज खाने में मेन चीज क्या है, कुकिंग परफेक्ट होनी चाहिए, ओवर कुक कुछ नहीं करना है, थोड़ा सोया सॉस और।
अब ये जो स्प्रिंग अनियन का बल्ब वाला पार्ट है इसको भी डाल दीजिए, बड़ा टेस्ट देता है। हल्के से चिली सॉस डाले मैंने, ऑप्शनल है, अगर मिर्ची आप नहीं खाते ज़्यादा तो मत डालिए। हम थोड़े चटकारे टाइप के लोग हैं, हमने डाल लिया। अब पानी, थोड़ा नमक, हल्का सा सिरका, दो ड्रॉप, ज़्यादा नहीं डालूंगा रंग खराब हो जाएगा ना, हल्की सी शक्कर, शक्कर क्यों, वो केचप ही बनाने के लिए ना। अभी लास्ट में थोड़ा रॉ जिंजर और ये कॉर्न स्टार्च, उसको पानी में मिक्स कर दें ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए। और अब इसमें डालेंगे जी सेसमी ऑयल, चाइनीज स्टाइल वाला, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, टोस्टेड सेसमी ऑयल। अगर नहीं है तो तिल को टोस्ट करके भी डाल सकते हैं, थोड़ा सेसमी फ्लेवर चाहिए। लास्ट में स्प्रिंग अनियन, हेलो जी, कहने को चाइनीज पॉट राइस या फिर कहने को जैसे हमारे तिवारी शेफ कहते थे कि चाइनीज बिरयानी। चाइना में ग्वांगडोंग प्रोविंस जहां पर ये आता है वहां पर ऐसे आधा पका हुआ चावल, उसके ऊपर मीट सॉसेज वगैरह डाल के, सॉसेज वगैरह डाल के, और फिर उसको ढक्कन लगा के अंगार के ऊपर रख दिया जाता था, कोयले के ऊपर रख दिया जाता था, धीरे धीरे वो पकता रहता था और बाद में उसके ऊपर थिक स्वीट सोया सॉस डाल के दे दिया जाता था। तो जो क्लासिकली पॉट राइस है वो है। अब इसको यहाँ पर अगर आप घर पे बना रहे हैं तो ये क्ले पॉट तो हमने ले लिया, अब इस क्ले पॉट राइस में नीचे तवा लगा दीजिए, या फिर अगर अंगार है, जलता हुआ कोयला नहीं, बुझा हुआ कोयला, लास्ट स्टेजेस का कोयला, जब कोयला लाल हो लेकिन उसके लपटे ना हो, उसमें उस कोयले के ऊपर रख दीजिए, तो नीचे से हल्की हल्की वो जो सॉस के जलने की, सोया सॉस की कैरमलाइजेशन की खुशबू है, चावल के कैरमलाइजेशन की खुशबू है, वो आएगी। या फिर ऐसा काम करिए, गैस लीजिए, गैस के ऊपर इसको लगा के रख लीजिए जैसे मैं रखने वाला हूँ। तो क्लासिकली क्ले पॉट राइस ऐसे बनता है। ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में हम लोग झटका मारने के लिए क्या करते हैं कि नीचे चावल उसके ऊपर सॉस डाल के और तुरंत सर्व कर देते हैं, लेकिन क्लासिकली थोड़ा समय उसको ओवन के अंदर या फिर चूल्हे के ऊपर या फिर अंगार के ऊपर रखना चाहिए ताकि वो हल्का सा कैरमलाइजेशन हो और हल्का सा स्वीट सोया सॉस से वो फिनिश होना चाहिए। लेकिन ये जो मैंने आपको रेसिपी बताई है, ये रेसिपी अपने आप में फर्स्ट क्लास कामयाब है रेस्टोरेंट स्टाइल पॉट राइस बनाने के लिए। ठीक, ये लीजिए, मैंने अपना काम कर लिया, आपको फ्राइड राइस भी दिखा दिया और वो चाइनीज बिरयानी यानी कि पॉट राइस भी दिखा दिया, है कि नहीं। अब आप ये काम करिए, एक तीर से दो निशाने लगा दीजिए, एक तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरा वो बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक, दो निशाने हो जाएंगे।